हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर आप थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या अभी आप कॉलेज में एंटर किए हैं एंड यू वांट टू अर्न इन योर कॉलेज लाइफ, अगर आप कॉलेज टाइम में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं बाय योर स्किल्स, सो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 बेसिक स्किल्स That every college student should know। जी हाँ, उन 4 skills के बारे में जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और जिससे उन skills से आप लोग कमा सकते हैं 25,000 से 30,000 रुपए ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ, और ये आपकी पैकेज आपकी जॉब में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के टाइम में बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है और हमेशा हर कंपनी को अपने कैंडिडेट में कुछ अलग चाहिए होता है। सो आज हम ऐसी 4 स्किल्स की बात करेंगे जो 4 स्किल्स आपकी मदद करेंगी आपकी जॉब्स में, आपकी अर्निंग कैटेगरी में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, पहला बेसिक स्किल में हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इंटेलिजेंस है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में बात तो है पर आप उसको कैसे दर्शाएं, कैसे मैं बोलूं सामने वाले को, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जी हाँ, इसी को किसी तरह इंप्रूव करना है। और सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज, एक कोटेशन से यहां पर कह सकता हूं कि शब्दों में ताकत तभी होती है जब उसको सही टाइम पर और सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, वर्ड्स हैव पावर व्हेन यू आर गोइंग टू यूज एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। सो याद रखिएगा। सो इसको इंप्रूव करने के लिए कैसे हम लोग इसको इंप्रूव करें, और ये कहीं ना कहीं आपके जॉब्स में, आपकी कॉलेज लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ये मदद करने वाला है। सो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, आप अपनी बात किसी को कह नहीं पाते हैं। सो याद रखिएगा, आप हमेशा अपने दोस्तों से जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में उनसे बात करने की कोशिश करिए। हर पर्सन से इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए, अपनी बातें समझाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू वॉच द हिंदी मूवीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। अगर आप कोई भी न्यूज देख रहे हैं तो उसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ जरूर देखें और प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने आप बोलने की कोशिश करें। जी हाँ, सो इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आप अपनी बातें सामने वाले को समझा पाए सो आज उसी की वैल्यू है और यही चीज डिमांडिंग में है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर भी आप लोग किसकी बात सुनते हैं जो आपको कन्विंस कर पाता है। आप हमारी वीडियो रहे हैं, देख रहे हैं कि हम आपको बात बता रहे हैं और आपकी समझ में आ रही है। सो कम्युनिकेशन स्किल एक वो टूल है जिससे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं दूसरी स्किल्स की। दूसरी स्किल में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, कोविड का समय है, पैंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले। जी हां, आपने देखा होगा बहुत सारी एडटेक कंपनीज आ गई हैं, ऑफलाइन जो कोचिंग्स थी वो ऑनलाइन में कन्वर्ट होने लगी हैं। सो अब आप इसको कैसे अर्निंग में बदले। अगर आपके पास और आपको मेनली प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पावर पॉइंट आता है, बहुत सारी चीजें डिजाइनिंग आती है, सो ऑफलाइन ट्यूटर्स को भी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप उनका काम उनको प्रोजेक्ट बेसिस पर करके दें। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको आना चाहिए एमएस वर्ड, इसके लिए आपको आना चाहिए एक्सेल, इसके लिए आपको आना चाहिए पावर पॉइंट। जी हाँ, ये बेसिक स्किल। और हमेशा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। और मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिससे आप 15,000 से 20,000-30,000 तक पर मंथ कमा सकते हैं। कैसे? अट्रैक्टिव स्लाइड्स बनाकर बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप पकड़ सकते हैं और उनके लिए आप काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पर। क्योंकि हमेशा हर एक ऑफलाइन ट्यूटर क्या करता है, वो हायर नहीं कर सकता है, बट प्रोजेक्ट बेसिस पर आप उसके लिए काम कर सकते हैं कि सर आप, मैं इस सब्जेक्ट के आपकी पीपीटीज, अट्रैक्टिव पीपीटीज बनाकर दे सकता हूं, आप कितना पे करेंगे। सो ये एक सबसे बड़ा अच्छा टूल है। आप अपनी बात अच्छे अट्रैक्टिविटी, आप यूट्यूबर बन सकते हैं, सिंपल सी बात, अपना कंटेंट बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने एनिमेशंस बना सकते हैं पावर पॉइंट में। ये सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ये बेसिक स्किल्स हैं तो आप किसी भी तरह की जॉब पा सकते हैं और अपने कॉलेज लाइफ में इससे भी अर्निंग कर सकते हैं।
नाउ बात करते हैं थर्ड स्किल्स की। थर्ड स्किल पे बढ़ने से पहले मैं यहां पर क्लियर करता हूं, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कोविड है, प्रॉब्लम है, इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले, एडटेक की उससे अपॉर्चुनिटी में बदले। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, वीडियो एडिटिंग आज का समय वर्चुअल का है, कोविड के समय में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं, अब सब चीज ऑनलाइन चलने चुकी हैं। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी बात सामने वाले तक कह सकते हैं। जी हाँ, आज आप देख रहे हैं आपके हाथ में मोबाइल है, सड़क पे होर्डिंग्स बहुत कम देख पाते हैं, और आप क्यों, क्योंकि लोगों का जो नजरें हैं वो फोन में आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि अब फोन में अट्रैक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, इंट्रोडक्टरी वीडियोस, ब्रांडिंग वीडियोस आप बना सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर का नाम अगर बताना चाहूं, फिल्मोरा है, एडोब है, आप इस तरह से वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, और बहुत बेसिक स्किल है। अगर आप कंपनी में भी जाते हैं और किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन स्किल में वीडियो एडिटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो एडिटिंग में भी चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। साथ ही मैं बात करूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग की। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप एडोब, कोरल ड्रॉ ये सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव, फोटोशॉप के थ्रू आप ग्राफिक पोस्टर्स बना सकते हैं, आपके कॉलेजेस में इवेंट्स हैं उनके लिए आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चार स्किल्स आपको मास्टर्स बनाती हैं, और हर एक कॉलेज स्टूडेंट को ये चार स्किल्स आना चाहिए। सो याद रखिएगा, अब आगे हम बात करेंगे कुछ और स्किल्स के बारे में। सो टिल देन, अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे बहुत सारी वीडियोज में हम बात करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।